ओके गाइस, मेरा नाम शहबाद है और आप देख रहे हैं टेकरीज़। मैं आपको बताने वाला हूँ कि अमेजोन में कैसे क्लेम रेस करते हो। सपोज आपका प्रोडक्ट्स कोई आपको वापस आ गया है और वेयर हाउस से, अमेजोन वेयर हाउस से, आप उसे किस तरह से क्लेम रेस कर सकते हो अगर डैमेज आया है कस्टमर के थ्रू, मतलब कस्टमर ने उसको रिटर्न कर दिया है, तो आप कैसे करोगे उसका क्लेम रेस को किस तरीके से, वो चल के मैं आपको पीसी में बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। तो प्रॉपर्ली इसको देखते हुए कैसे क्लेम रेस हम करते हैं। ओके गाइस, सपोज अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट्स होता है बहुत ही डैमेज तरीके से, बहुत कंडीशन ख़राब होता है, तो अगर उस टाइप उस वक्त में अगर आपको क्लेम रेज करना है, तो उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या कंडीशन में आपका अप्रूव हो सकता है, कौन कंडीशन में आपका अप्रूव नहीं हो सकता है, मतलब क्लेम। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और एलिजिबल कौन से होंगे रिफंड्स आपके लिए, अगर आपने शिपमेंट इजी शिप के थ्रू भेजा है, यदि आपका प्रोडक्ट्स FBA में है और प्रोडक्ट्स रिटर्न होता है और उसमें डैमेज होता है प्रोडक्ट्स में, या फिर लेट्स सी उसका बॉक्स ख़राब होता है, तो उन केस में रिफंड हो सकता है। अगर बॉक्सेस डैमेज हैं तो रिफंड में बहुत ही कम हो सकते हैं, रिफंड नहीं होगा। तो अगर आपका इजी शिप यूज़ किए हैं तो आपका रिफंड हो सकता है। अगर आपने खुद का प्रोडक्ट्स यूज़ किया है, खुद के कोरियर से भेजा है कस्टमर को प्रोडक्ट्स है, और आप खुद के कोरियर से आपको रिटर्न किया है, अगर आपने रिसीव करवाया है और प्रोडक्ट्स आपके पास रिटर्न आता है वो मिसिंग है या फिर प्रोडक्ट डैमेज है, तो उन कंडीशन में आपके रिफंड मिलने में चांसेस बहुत ही कम है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास एजी शिप सर्विस यूज़ करें, अगर आप खुद की सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो मेक श्योर करिए जो प्रोडक्ट्स आप भेज रहे हैं वो अच्छा प्रोडक्ट्स हो और रिटर्न आने से चांसेस कम, मतलब बहुत ही कम हो। अगर आपका प्रोडक्ट्स डैमेज है तो आपको रिफंड मिलेगा। अगर आपका प्रोडक्ट्स नॉन सेलेबल कंडीशन में है, मतलब ऐसी कंडीशन में जैसे उसके ऊपर बहुत सारे एक्सप्रेस मार्क्स हों, कहीं पर हल्का डेंट पड़ गया हो या फिर कहीं स्क्रैच हो गया हो, तो उस कंडीशन में आपको रिफंड मिल सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट्स गलत डिलीवर हुआ है, एक प्रोडक्ट की वजह से कोई दूसरा प्रोडक्ट्स अगर मतलब हुआ है, तो उस वक्त में सपोज जैसे कि एक प्रोडक्ट से जगह पे दूसरा प्रोडक्ट चला गया हो, तो वो भी मिल सकता है। अगर सपोज आपके पास CCTV फुटेज कैमरा है तो ये भी बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि ये भी प्रूफ आप दिखा सकते हो सही प्रोडक्ट्स आपने भेजा था, आपको जो रिटर्न आया था वो गलत प्रोडक्ट्स हैं। ओके, और जैसे कि यहाँ पे मैंने कि बताया कि कौन सी कंडीशन में आपको रिफंड नहीं मिलेगा, तो ये सारे कंडीशन हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, वो उसका पूरा डिटेल्स इसमें है जो मैं अपने ब्लॉग में डालूँगा, वहाँ पर देख लीजिएगा एजी शिप में कौन सा रिटर्न होगा और एजी शिप की पॉलिसी क्या है, और मतलब कंप्लीट तरीके से मैं आपको दिखा दूंगा और वहाँ पे भी सारे डिटेल्स में। ओके, और सपोज़ अगर मैं, चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि क्लेम को कैसे रेस करेंगे। तो सबसे पहले उसका ऑर्डर नंबर आ चुका है यहाँ पे, और ये है यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स, ये मतलब ये चीज़ें क्या हैं, जो शिपिंग चार्ज है और ये सारी चीज़ जो है। देखिए, कस्टमर को सपोज़ पूरा पैसा मिल गया है, मतलब उनसे, और प्रोडक्ट्स जो मिला हुआ है वापसी का, तो बॉक्स के मिला है और उसकी कंडीशन भी बहुत ही ख़राब होती है, तो इसका मैं क्लेम रेज करता हूँ। तो क्लेम रेज करने से पहले सबसे पहले ऑर्डर नंबर वो कॉपी करना है, जैसे कि मैंने बताया था बहुत टाइम पहले, और कॉपी होने के बाद अमेजोन सेलर सेंटर में जाएंगे, तो वहाँ पे नीचे देखेंगे आप, यहाँ पे गेट सपोर्ट का ऑप्शन रहेगा। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन आज प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको। ये क्लिक करने के बाद कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन आता है राइट साइड में, वो बीच वाला कॉन्टेक्ट अस पे, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आता है सेलिंग ऑन अमेजोन। वहाँ पे जाने के बाद आपको पहला ऑप्शन जो है कस्टमर ऑन ऑर्डर, यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर पेस्ट करोगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये देखिए, ये स्पेसिफिकली इसलिए फाइल कर रहा हूँ मैं, इजी शिप के थ्रू गया था इसलिए मैं इसको फाइलेंस सेव कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं सेव एंड क्लेम करूँगा और नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। अब आप भूलिएगा, एक चीज़ मत भूलिएगा दोस्तों, कि फ़ोटोज़ आपकी पूरी ले लीजिएगा, जब पैकिंग आप खोलें
उसके पहले का, उसके ऊपर का जो लेबल चिपकाया हुआ है उसका, आगे का, पीछे का, सब चारों तरफ से फ़ोटो ले लीजिएगा। फिर प्रोडक्ट्स आप जब खोलते हैं उसके बाद जो अंदर डोर डोर डैमेजेस हैं उसका भी फ़ोटोज़ आप ले लीजिए, जो भी स्क्रेच मार्क होंगे क्लियरली। अभी आपको रीजन बताना है आपको, तो रिटर्न ऑर्डर नॉट रिसीव्ड, डैमेज एट्रीब्यूट जो भी कुछ हो, और यहाँ पे ओरिजिनल कंडीशन में, तो मैं ये वाला नीचे वाला करूँगा ओरिजिनल कंडीशन। ओके, अभी यहाँ पे मुझे पूरे डिटेल उसका लिखूँगा, मैं क्या लिखता हूँ वो आप ध्यान से देख लीजिए। ओके, ठीक है, तो ऐसा कुछ आप लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे फ़ोटोज़, ये देखिए फ़ोटोज़ पर कंटेंट है, सीरियल ऑफ द आइटम्स हैं, जो आइटम का ना, जो आपके सामान का मतलब प्रोडक्ट्स का जो सीरियल नंबर होगा वो आप यहाँ पे करके आप अटैच करेंगे, उसके बाद आप नीचे आप सिर्फ फाइल कर दीजिए। इतना सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, आपको और कुछ करना नहीं है। उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस मेल आईडी पर आपको रिप्लाई आ जाएगा, अगर क्लेम अप्रूव होता है तो। अगर आपका क्लेम, आपका डिक्लाइन होता है क्लेम, तब भी आपका मेल आएगा, मतलब ऐसा डिक्लाइन का और अप्रूवल का दोनों का मेल आपको आएगा ये चीज़ करने के बाद। तो कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आपको मैं ज़रूर दूंगा, अगर मैं साथ साथ को सभी चीज़ों का मैं आपको डिफरेंटली आंसर करूंगा अगर कोई चीज़ समझ नहीं आओ। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए अगर पसंद आई हो तो।